नमस्कार, प्रेरणा न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्र ध्वज फहराया। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश के स्वतंत्र होने के बाद देश के तपस्वी और विद्वान नेताओं ने भारत को उसके अनुरूप तंत्र देने के लिए संविधान बनाया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर तय कर दिया गया कि भारत चलेगा तो अपने तंत्र से। बाबा साहेब आम्बेडकर ने संसद में संविधान को रखने के समय 2 भाषण दिए, जिनमें उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें किस प्रकार अनुशासन में रहना है। सरसंघचालक जी के अनुसार संविधान ने देश के हर नागरिक को राजा बनाया है। राजा के पास अधिकार तो हैं, लेकिन अधिकारों के साथ सब अपने कर्तव्य और अनुशासन का भी पालन करें, तभी क्रांतिकारियों के सपनों के अनुरूप भारत का निर्माण होगा। भारत बढ़ेगा तो दुनिया बढ़ेगी, ऐसा भारत जो दुनिया और मानवता की भलाई को समर्पित है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी को कुछ देना सीखे। सब लोग देते हैं इसलिए विश्व चलता है, हमको भी देना है, इतना देना है कि देने की इच्छा तो रह जाए। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। वहीं संघ के सरकार्यवाह श्री भैया जी जोशी ने डॉक्टर हेडगेवार भवन नागपुर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए स्वतंत्र संविधान और उस संविधान के आधार पर देश की सब गतिविधियां चलें, यह किसी भी देश के लिए स्वाभिमान की बात होती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान तैयार हुआ। संविधान की गरिमा प्रतिष्ठा व सम्मान बनाए रखने में सभी देशवासियों को सहयोग करना चाहिए। और अब फिर चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मॉडर्न कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जहां गणतंत्र दिवस समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संयुक्त क्षेत्र प्रचार प्रमुख श्री कृपा शंकर जी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद हमने अनुशासन और समय पालन खोया है। व्यक्ति के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है। जब हम अनुशासन खोते हैं तो बहुत बड़ी चीज खो देते हैं। जब राष्ट्रीयता चली जाती है तो व्यक्तिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद खड़ा हो जाता है और राष्ट्र का विचार गौड़ हो जाता है। कृपा शंकर जी ने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता का भाव आना चाहिए। कमजोर को दुनिया पूछती नहीं है। जब ताकतवर राष्ट्र होता है तो उसका नेतृत्व भी ताकतवर होता है, और जब नेतृत्व ताकतवर होता है तो दुनिया में योग की धूम मचती है। और अब जानते हैं 27 जनवरी का इतिहास। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ओज की ऐसी हजारों कविताओं और खंडकाव्यों के लेखक श्याम नारायण पांडे जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के ग्राम डुमराव में 1910 में हुआ था। उनकी शौर्यपूर्ण कविताएं सुनने के लिए श्रोता मीलों पैदल चलकर आते थे। 1939 में रचित उनकी प्रसिद्ध कविता हल्दी घाटी तत्कालीन विद्यार्थी और स्वाधीनता सेनानियों की कंठहार थी। जौहर, तुमुल, जय हनुमान, भगवान परशुराम, शिवाजी, माधव, रिमझिम, आरती आदि उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। श्याम नारायण पांडे जी खरी बात कहना और सुनना पसंद करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के लिए उन्होंने लिखा था, केशव तुमको शत शत प्रणाम। आदमी की मूर्ति में देवत्व का आभास, देवता की देह में हो आदमी का वास, तो उसे क्या कह पुकारें, आरती कैसे उतारें। पांडे जी की कलम की धार तलवार की धार से कम नहीं थी। युद्ध का वर्णन उनकी लेखनी से सजीव हो उठता था। महान कवि श्याम नारायण पांडे जी का देहांत 27 जनवरी 1989 को हुआ।